नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन होने जा रही है। मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि SSC JEE और पावर ग्रिड JEE में से कौन सी JEE की जॉब अच्छी है, उस पर एक वीडियो बनाई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब सारी अच्छी होती है, क्योंकि जॉब का अल्टीमेट काम पैसा देना होता है, घर चलाना होता है, तो आपका किसी भी जॉब से चल जाएगा, सारी जॉब्स अच्छी होती है। लेकिन हाँ, कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हर बंदे के लिए सुटेबल नहीं होते, तो बंदा सोचता है कि नहीं यार, मेरे लिए ये जॉब अच्छी नहीं है, मुझे इधर जाना चाहिए। तो SSC JEE और पावर ग्रिड JEE दोनों इनकम्पेरेबल जॉब्स हैं, वैसे तो बहुत ही बढ़िया जॉब्स हैं दोनों, लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा डिपार्टमेंट सूट करेगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें पावर ग्रिड JEE की या SSC JEE की, दोनों में से हासिल करना किसको आसान है, तो हासिल करना पावर ग्रिड JEE को बहुत आसान है। पहला पॉइंट, अब आप कहेंगे कैसे, पावर ग्रिड इज़ अ वन स्टेज एग्जामिनेशन। इफ़ यू परफॉर्म वेरी वेल इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू विल गेट योर जॉब इजिली एज कम्पेयर टू SSC JEE। लेट अस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ SSC JEE। व्हेन यू ऑलवेज गिव SSC JEE, जब आप हमेशा SSC JEE देते हैं, देन SSC JEE हैज़ इट्स टिपिकल प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, लाइक इट हैज़ टू स्टेज प्रोसीजर। दो स्टेज का प्रोसीजर होता है SSC JEE में, एंड इन दैट पर्टिकुलर टू स्टेज प्रोसीजर यू हैव टू गिव द प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स एग्जामिनेशन। यानी कि आपको SSC JEE में प्रीलिम्स और मेन्स दोनों एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। व्हेन यू गिव प्रीलिम्स एंड मेन्स बोथ एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू स्कोर अ वेरी वेरी वेल एंड गुड मार्क्स इन बोथ द एग्जामिनेशन, एंड देन यूर सिलेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल स्कोर ऑफ बोथ एग्जामिनेशन, यानी SSC JEE में दोनों प्रीलिम्स और मेंस का जो स्कोर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और उसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में आप अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वन स्टेज एग्जामिनेशन। ओके, सीधा एग्जाम क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, पावर ग्रिड में आपकी नौकरी। पर SSC JEE में यू हैव टू गो थ्रू दी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम प्रोसीजर which is of prelims and mains, that is too tough. Okay, so but you can clear both examination if you have the potential to clear, but I am just comparing, when I am comparing these two examination, then everybody who will be from electrical ground knows that Power Grid Corporation of India Limited is easy to clear as compared to SSC JEE. ठीक है, ये जो इंग्लिश में मैंने लाइन बॉक की है, मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से अगर कोई लड़का, यानी कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से अगर कोई लड़का बिलोंग करता है, तो उसको ये जाहिर सी बात है पता होगा कि पावर ग्रिड की जॉब इजी है लेना एज कंपेयर टू SSC JEE के। पॉइंट नंबर दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी का टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग है तो उसके लिए कौन सी जॉब बेहतर है। टेक्निकल अगर आपका स्ट्रांग है, पावर ग्रिड में आपके चांस हाई स्कोर करने के ज्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू SSC JEE के, बिकॉज SSC JEE में प्रीलिम्स आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है, वहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का वेटेज ज़्यादा है। अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, देन देयर विल बी द फेयर चांस ऑफ यू टू गेट इन टू द SSC JEE जॉब। सो इफ यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड, आई सजेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर द पावर ग्रिड रादर देन ऑप्टिंग फॉर SSC JEE। बट तैयारी तो आपको दोनों की करनी है, मैं ये बता रहा हूँ कि ईजियर कौन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सैलरी। व्हेन वी टॉक अबाउट द सैलरी, SSC JEE हैज इट्स बेसिक 35,400। भाई SSC JEE का बेसिक 35,400, इट इज़ अ 4200 ग्रेड पे, ग्रुप बी ऑफ सेंट्रल, ग्रुप बी कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पावर ग्रिड, इट इज़ अ क्लास 3 जॉब। Yes, it is a class 3 job, but there is one good point. Salary of Power Grid is higher than SSC JEE, because SSC JEE is a government department and government department does not gives the perks. भैया SSC JEE सरकारी department देता है, और सरकारी department में perks नहीं होते। But when we talk about Power Grid gives a very huge package of approximately 10 lakh rupees per annum. What is the meaning of 10 lakh rupees per annum? भैया पावर ग्रिड का साल का पैकेज 10 लाख रुपए का है,
सब कुछ मिला के आप कहेंगे 10 लाख, ये क्या बोल रहा है, सच्ची बात है, दोस्त पावर ग्रिड में काम करता है मेरा NR1 में, एंड ही इज क्या बोलते हैं, ही हैज़ अ पैकेज ऑफ ₹10 लाख, हाँ दैट इज टू हैवी पैकेज, ओके, सो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, लैपटॉप अलाउंसेज, यूनिफॉर्म अलाउंसेज, ठीक है, कन्वेयंस अलाउंसेज, दीज यूनिफॉर्म अलाउंसेज, दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलाउंसेज मेक्स द सैलरी ऑफ पावर ग्रिड क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ SSC JEE, ठीक है. सो अभी ये मैंने फिर हिंदी में बता देता हूँ. एक्चुअली मैं आजकल वीडियो हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से इसलिए बना रहा हूँ कि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम और SSC JEE का एग्ज़ाम ना नॉर्थ और साउथ दोनों के लड़के देते हैं, तो नॉर्थ वाले तो हिंदी समझ जाते हैं. अगर मान लो ये वीडियो एक साउथ वाले तक पहुंची थी मेरी वीडियो, वो कह रहा भाई थोड़ी सी इंग्लिश भी बोला कर, तेरा कंटेंट अच्छा है, देख लो साउथ वाले लड़के तक ने बोला, ठीक है, तो अब रीच पहुंचने लग गया थोड़ी थोड़ी, एक किसी लड़के भी पहुंची थी. वैसे मेरी ज़्यादातर वीडियो नॉर्थ की देखते हैं बच्चे, ठीक है, तो साउथ वाला एक लड़का बोल रहा था थोड़ा सा इंग्लिश भी बोला कर भाई, ठीक है, तो इंग्लिश मेरे को काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है, मतलब ठीक आती है मुझे इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश भी बोला कर भाई, क्योंकि उससे क्या होता है अगर साउथ और बंगाल का लड़का देख रहा है तो उसको थोड़ा ईजियर पड़ जाता है. तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना रहा हूँ. जब मैं UPPCL के लिए वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉपर हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है UPPCL का एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी भाषी लोग देते हैं, ठीक है, लेकिन SSC JEE और ये क्या बोलते हैं पावर ग्रिड JEE, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, तो दैट्स वाई इसको सारी तरफ के बच्चे देख रहे हैं. तो मैं ताकि एक अच्छे यूट्यूबर की एक बात बड़ी अच्छी होती है अगर वो दोनों लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा तो सबको समझ में आएगा, ठीक है. तो बात चल रही थी एनुअल पैकेज की, तो पावर ग्रिड का एनुअल पैकेज ज़्यादा है SSC JEE से. अब बात आती है रुतबे की, तो भैया पावर ग्रिड JEE का रुतबा नहीं है यार, एब्सोल्युटली नहीं है, ठीक है, JEE वाली फीलिंग नहीं आने वाली, ठीक है. पावर ग्रिड पैसा मिलेगा, लेकिन भाई पैसा चाहिए तो पावर ग्रिड में जाना पड़ेगा. JEE वाली फीलिंग आपको SSC JEE में आएगी तगड़ी. बेटा अपना सेपरेट कैबिन होता है, पावर ग्रिड का कोई सेपरेट कैबिन नहीं होता. JEE के लिए जो काम कर रहे हैं ना उनसे पूछ लेना, कई कई पावर ग्रिड के सबस्टेशन में JEE के लिए ना सेपरेट कैबिन और चेयर ही नहीं है, जबकि JEE के लिए सेपरेट कैबिन और चेयर होता है, जैसे UPPCL में होता है, पावर ग्रिड में होता है, ठीक है. तो पावर ग्रिड कह रहा हूँ, जैसे UPPCL में अगर आप ट्रांसमिशन में JEE लगते हैं ना, तो ट्रांसमिशन में 132 KV पे, सच बोल रहा हूँ मैं, जो UPPCL में काम करते हैं उनसे कभी पूछ लेना, ट्रांसमिशन में 132 KV पे JEE के लिए सेपरेट चेयर है, सेपरेट चेयर और रूम है, ठीक है, उस पर बाहर लिखा होता है JEE, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन में JEE का सेपरेट रूम होता है अलग से, उस पर आगे अवर अभिन्नता लिखा होता है, पता होगा आपको. इसी तरह SSC JEE का सेपरेट कैबिन होता है, ये कैबिन वाले हैं, SSC JEE इज़ अ कैबिन वाला JEE, ठीक है. सो SSC JEE कैबिन वाला है, तो भैया SSC JEE का रुतबा ज़्यादा, और बट ऑब्वियसली बात है SSC JEE क्लास 2 के अंदर आता है और ग्रुप सी के अंदर आता है पावर ग्रिड का JEE, तो रुतबे के मामले में तो SSC JEE, ठीक है. जॉब प्रोफाइल सबसे मेन, जॉब प्रोफाइल दोनों का ही अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब प्रोफाइल की बात करें ना, उसमें पावर ग्रिड जीतता है. When we talk about electrical point of view, Power Grid wins the race between the SSC JEE and PGCIL JEE. Why? Because when we talk about Power Grid is a core electrical company. Everybody know that, ठीक है? Because in Power Grid, it's a transmission company. It's a Maharatna transmission company. So Power Grid allows a great opportunity for an electrical engineer to grow. अब ये मैंने क्या बोला? कि पावर ग्रिड एक महारत्न इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनी है और पावर ग्रिड ट्रांसमिशन की कंपनी है, ठीक है. EHV और UHV ट्रांसमिशन में डील करती है, तो पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो ग्रोथ है एज अ ग्रोथ, मतलब पावर ग्रिड में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीख सकता है वो SSC JEE में नहीं सीख सकता, बिकॉज पावर ग्रिड में आप जब काम करेंगे ना तो आपको फील आएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, कि वाकई मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. बेटा जब 765 KV की लाइन की मॉनिटरिंग करनी होती है ना और मेंटेनेंस के लिए जाना होता है, तब पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल क्या है. 400 KV की लाइन की ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस करनी हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, क्या मज़ा आ जाएगा आपको, तो पूरी इलेक्ट्रिकल सीखने को मिलेगी. तो पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल का तो है भैया दबदबा, ठीक है. HVDC के सबस्टेशन है उनके, ठीक है, टेस्टिंग होती है वहाँ पे, कमीशनिंग होती है, मेंटेनेंस होती है, प्रॉपर सब कुछ देखने को मिलेगा. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे लगी तो बे कैसे बनते हैं, बस बार कैसे बिछती है, स्विच यार्ड बनता कैसे है, ये सब देखने को मिलेगा. ट्रांसफार्मर की इरेक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ. तो भैया जिसको तो इलेक्ट्रिकल से प्यार है, मैं तो कहता हूँ पावर ग्रिड में जाना अगर दोनों में निकलते हो तो, ठीक है.
पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल का सीखने के लिए बहुत कुछ है, सैलरी अच्छी है, रुतबा जिसको चाहिए। और इलेक्ट्रिकल यार एसएससी जेई में ना मैंने हमेशा देखा है यार ना सिविल वाले डोमिनेट करते हैं। एसएससी जेई की जितनी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना मैक्सिमम सिविल वाले डोमिनेट करते हैं, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स हैं ना उसमें सिविल वाले ही अपना ऑफिस दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले तो बहुत कम ऑफिस दिखाते हैं एसएससी जेई का, सिविल वालों का रुतबा ज़्यादा होता है एसएससी जेई। इलेक्ट्रिकल का भी होता है पर इलेक्ट्रिकल में वो फील नहीं है एसएससी जेई में क्लियर करने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बिल्डिंग की वायरिंग मेंटेनेंस ये वगैरह, ठीक है, या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एस्टिमेट बनाएगा, वो मज़ा नहीं है। पावर ग्रिड वाला मज़ा, मतलब इलेक्ट्रिकल वाला मज़ा नहीं है। रुतबा तो है एसएससी जेई में, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जेई को नीचे रखता हूँ मैं। सिविल का अगर लड़का है तो उसके लिए एसएससी जेई एक हेवन है, स्वर्ग है। इलेक्ट्रिकल का लड़का है तो पावर ग्रिड स्वर्ग है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, सबसे मेन भैया कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो भैया एसएससी जेई की जॉब वर्किंग आवर के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं आपको कहता हूँ जो बंदा ज़्यादा काम नहीं ना कर सकता, थक जाता है, ठीक है, या जिसको आराम की ज़्यादा आदत होती है, एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी ले लो, आराम ही आराम है वहाँ पे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है, मस्त एकदम। अपना जिम जुम करना, खेलना कूदना, क्रिकेट खेलना पसंद होता है जिसको, जो मर्जी करना, ठीक है। मेरे को वेब सीरीज पसंद होती है, फिल्में देखनी पसंद होती है, तो अगर मेरी एसएससी जेई की जॉब लगी ना कसम से भाई, ऑफिस से आने के बाद एक तो तुम्हें पढ़ाऊंगा और उसके बाद वेब सीरीज देखूंगा खतरनाक। मिर्ज़ापुर तो जिस टाइम आई थी उसी टाइम ख़त्म कर दी थी मैंने, ठीक है, तो ख़तरनाक थी यार। गुड्डू भैया का रोल बड़ा ख़तरनाक था भैया उसमें, मिर्ज़ापुर में तो भाई मज़ा आ गया था एकदम, ज़बरदस्त यार, ख़तरनाक वेब सीरीज़ थी यार, मज़ेदार था। एक तो उसमें जो एसेंट था ना वो पूर्वांचल वाला था, ख़तरनाक था यार मिर्ज़ापुर में एसेंट, ठीक है, तो तगड़ी थी, ठीक है। तो अगर तो आप ऐसे बंदे हैं वेब सीरीज पसंद है, मतलब टाइम निकालना चाहते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ के लिए, तो या जिम जुम करना पसंद है मेरी तरह, ठीक है, तो एसएससी जेई तब बढ़िया रहेगा। पावर ग्रिड में ये सब टाइम नहीं मिलता, पावर ग्रिड में टाइम मिल जाता है अगर आप सब स्टेशन पर पोस्टिंग हो, ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन पर पोस्टिंग होएगी ना, वापसी का टाइम नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो ये होता है। फिर संडे को टाइम मिलेगा, मतलब पावर ग्रिड में जैसे संडे को छुट्टी हुई आपकी तो संडे को टाइम मिलेगा आपको, फिर वो हफ्ते में एक दिन मिलेगा उसी में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक होता ना ऑफिस से आने के बाद मजे मुझे करना, ठीक है, तो वो होएगा एसएससी जेई में, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब के साथ टीचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं तो यूट्यूब के साथ टीचिंग करूँगा, तो एसएससी जेई ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए पावर ग्रिड के उससे, क्योंकि पावर ग्रिड में यार टाइम इतना नहीं मिलेगा। अगर मान लो ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन पे पोस्ट हो गया, अगर मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, अगर की बात कर रहा हूँ, वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ में होता है, जोन सा भी कभी कोई क्लियर होएगा, तो अगर मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, तो देखो यार पावर ग्रिड में तो बात बनेगी नहीं फिर, क्योंकि ट्रांसमिशन अब ये भी तो नहीं पता ना होता, तो लक पे डिपेंड करता है। मान लो ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन पे अगर पोस्टिंग होती है और क्लियर होता है मेरा एग्ज़ाम, तो मैं वापसी आके तुम्हें फिर गाइड नहीं कर पाऊँगा। कभी हफ्ते में एक वीडियो आएगा संडे के दिन, ठीक है, तब कर सकता हूँ वैसे, पर आपको इंतज़ार बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपको मेरी कमी खलेगी, क्योंकि एक दिन भी मेरी वीडियो नहीं आती तो अब बच्चे बोलने लग गए कि भाई वीडियो नहीं आई। तो सोचो अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर करा तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, ठीक है, बट ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा कंटेंट मेरा ही है अभी यूट्यूब पे अच्छे वाला, कोई भी नहीं लेके आया कंपैरिजन एसएससी जेई और पावर ग्रिड का, वो तो किसी ने कमेंट किया था तो मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा एग्ज़ाम एसएससी जेई का क्लियर होता है तो मैं एसएससी जेई ऑप्ट करूँगा, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी वगैरह ये जितने भी डिपार्टमेंट है एसएससी जेई के, इनमें इतना वर्कलोड नहीं है, 24x7 वाला काम नहीं है, ठीक है। तो हाँ पावर ग्रिड में भी टीचिंग हो सकती है यूट्यूब के साथ, वो तब होगी जब सब स्टेशन पर नौकरी लगेगी। अब सब स्टेशन पर पता नहीं कितनी सीटें खाली हैं, वही तो ये है, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से एसएससी जेई ऑप्ट करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, वर्किंग आवर्स के हिसाब से एसएससी जेई बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं टेंशन के हिसाब से। एक होती है ना टेंशनें बड़ी होती हैं जॉब पे यार, इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो टेंशन पावर ग्रिड में ज़्यादा है, टेंशन पावर ग्रिड में ज़्यादा है। ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन पे बहुत टेंशन है, ठीक है, सब स्टेशन के अंदर नहीं है, ठीक है, तो टेंशन पावर ग्रिड में है भाई। सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन पे भी टेंशन बहुत होती है पावर ग्रिड में, ठीक है, क्योंकि काम बहुत रहता है ना यार, कंस्ट्रक्शन का काम तो आपको पता ही है, ठीक है। और एसएससी जेई में टेंशन कम है, जो काम करेगा वो प्राइवेट का कंट्रैक्टर करेगा,
जेई बन के तुमने एसएससी जेई में तुम्हारे को कैबिन में बिठा देंगे, तुमने सिर्फ वहाँ पे ना एस्टीमेट प्रिपेयर करना है और उसको क्वालिटी कंट्रोल करने जाना है, भैया ये जो ठेकेदार बना रहा है ये हमारी डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के तौर पे भी बना रहा है या नहीं, ठीक है? तो ऐसे करना है तुम्हें, तो बेस्ट रहेगा एसएससी जेई वर्किंग आवर्स के हिसाब से और टेंशन के हिसाब से एसएससी बेस्ट रहेगा। लेकिन 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 मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप दिल वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, खतरनाक वाले, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल से प्यार है, तो पावर ग्रिड को ऑप्ट करना यार, ठीक है। अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, अगर मैं कहीं पे सिलेक्ट हुआ तो मैं क्या ऑप्ट करूँगा, ठीक है। अभी तो सिलेक्ट नहीं हुआ, पर कभी अगर सिलेक्ट हुआ तो, अगर मैं UPPCL में सिलेक्ट हुआ तो भैया मैं ट्रांसमिशन लूँगा 100%, मैं अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूँगा और मैं ट्रांसमिशन लूँगा, क्योंकि मेरा ट्रांसमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे YouTube के साथ, मुझे जॉब के साथ YouTube चैनल कंटिन्यू रखना है और गाइड करना है, ठीक है। क्योंकि YouTube पे अच्छी गाइडेंस की बहुत कमी है इतने सारे चैनल होने के बावजूद भी। और दूसरी चीज़, YouTube पे जब भी कोई जॉब पे जाता ना, प्रैक्टिकल्स नहीं दिखाता कभी भी। मैं अगर गया तो ऑब्वियसली बात है सबस्टेशन का इंचार्ज, अगर UPPCL में ट्रांसमिशन मिला तो मैं ही होऊंगा 132 में तो ज़्यादातर, तो वहाँ पर मैं आपको ना कुछ कुछ वीडियो स्विच यार्ड वगैरह की दिखाया करूँगा, अगर लगा तो, अगर मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया तो मैं आपको दिखाया करूँगा कि ये होता है अच्छा। और अगर यूपी आर्मी में सेलेक्ट हुआ तो और अच्छी बात है, यूपी आर्मी की तो सबसे वैसी जॉब है रिलैक्सफुल, तो यूपी आर्मी में जो जनरेशन का स्विच यार्ड होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एक एक चीज़ आपको दिखाया करूँगा कभी कभी, ठीक है, कि ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है, ब्रीदर ऐसा होता है, ठीक है, वेव ट्रैप्स ये होते हैं, प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो और अगर मैं मान लो किसी और, जैसे अदर स्टेट्स में भी वैकेंसी आती रहती है तो फिलअप मैं करता रहता हूँ, मान लो किसी दिल्ली के कहीं सेलेक्ट हो गया, ठीक है, कहीं भी हो गया, किसी जनरेशन कंपनी में सेलेक्ट हो गया, किसी में भी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। बस एक चीज़ है यार, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सेलेक्ट हुआ ना तो मेरे को फिर नहीं मौका मिलेगा क्या बोलते हैं YouTube बनाने का, तो मैं हमेशा कोशिश यही करूँगा कि मेरा YouTube चैनल ज़िंदा रहे, तो उसके लिए मैं कोशिश हमेशा हाई स्कोर करने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसमिशन मिले, मुझे ट्रांसमिशन ही मिले, ठीक है।